मुझे पीयूष बंसल ने अपनी कंपनी में पार्टनरशिप पे रख लिया है। एक चीज मैं क्विकली बोलूंगा, जो समझदार बंदे होंगे वो समझ जाएंगे। मौसम खुलना शुरू हो गया। कहाँ से खुला? ये एक और नई यूनिक दिक्कत आई है। मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। आज मास्टर शेफ किचन कनाडा में हमारे जो हेड शेफ हैं वो बनाने जा रहे हैं मुगलाई चिकन, और ये हमारे साथ में असिस्टेंट शेफ जो हैं वो रेसिपी नोट कर रहे हैं। माता जी आप रेडी हैं? वो बच्चा हमारा छोटे मोटे शेफ भुट्टे वाले, हम वो गली रोड साइड वाले शेफ हैं। तो मैं ये रेसिपी लिखवाते हैं एंड देन फिर बना के मैरिनेशन करके फिर वॉक करने जाएंगे। बहुत अमेजिंग मौसम हो रहा है। मैं जो भुट्टा खाने का मजा है ना यार, वो कनाडा में नहीं मिला। जो यहाँ के है कॉर्न नॉर्मली ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इंडिया में जो टेस्ट आता ना वो नहीं आता, बट एटलीस्ट गैस पे बन जाता है तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, और बारबेक्यू में तो अमेजिंग ही बनता है। बट भुट्टे की क्वालिटी है वो बहुत अजीब सी है, यहाँ पे वो मजा नहीं आता। कैसे लगे आपको कनाडा की भुट्टा? कनाडा के भुट्टे में कुछ भी नहीं है। क्यों? एकदम खाली खाली है, सॉफ्ट है ना, आपके लिए अच्छा है दांतों के लिए। हमारे बेबी को भूख लगी है, सोचा था दिल्ली वाला होगा। कैसा है? मजा नहीं आया है ना? अमेरिकन कॉर्न है ये, और इंडिया में अमेरिकन कॉर्न के नाम से थोड़े ज्यादा कॉस्टली प्राइस में बिकता है, और वो डिफरेंट होता है, वही बनाते होंगे पता नहीं। एंड बारबेक्यू में अगर हम कॉर्न ऑन द कॉब बनाते हैं वो तो बहुत टेस्टी होता है, मतलब बटर डाल के एंड बारबेक्यू का टेस्ट डिफरेंट होता है। वो मम्मी को खिलाएंगे आज सोचा था, बट मे बी इस वीक करेंगे किसी दिन, प्रॉपर सब्जियां वगैरह लेके आएंगे। पीछे मैरिनेशन चल रही है, बट इस वीक बहुत काम है हमारे पास, इसलिए ना हो नहीं पाता। पर मैंने कहा कि आज मौसम अच्छा है, वॉक जरूर करके आएंगे, बेबी को भी बाहर लेके जाए थोड़ा सा घुमाए, तो ये मैरिनेशन करके फिर चलते हैं। तो हम सब तैयार हुए, मम्मी बाहर आई वॉक करने चली गई, तो मैंने गाड़ी में बैठो तो कहते हैं गाड़ी में हम जा रहे हैं वॉक करने। सो बेसिकली हमारे घर के पास एक मतलब बहुत सारे अच्छे पार्क हैं, बट एक और बहुत अमेजिंग पार्क है थोड़ा हिली एरिया में जाके है, तो हमने कहा जब वॉक करनी है तो वहाँ जाके करते हैं। सो हम गाड़ी में वॉक करने जा रहे हैं। इस पार्क में हम वीडियो बनाने जाते थे। हाँ, एक टाइम की बात है। हम बहुत ही बढ़िया वाले पार्क में आए थे और एंटर करते ही हमने कहा कि लोग क्यों नहीं इतने यहाँ पे। जब हम बाहर निकले हमें पता चल गया क्यों नहीं है लोग, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हालत ही खराब होगी। हम बड़े बंदे नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो छोटा बच्चा कैसे करेगा। इवन दो हाँ, उसके लिए हम प्रॉपर उसका ब्लैंकेट भी लेके आए थे एंड शीट भी है जो प्रॉपर उसका स्ट्रॉलर उसको कवर करती है, बट फिर भी हमने रिस्क नहीं लिया। हमने बोला कि छोड़ो अपने घर के पास ही घूमते हैं, बिकॉज ये बहुत ओपन पार्क है एंड थोड़ा हाइट पे भी है, तो बहुत विंडी हो रहा है यहाँ पे ना, तो रिस्क नहीं लेना। बच्चे बुजुर्ग और बड़े सारे ही हैं, तो हम किसी के साथ रिस्क नहीं ले सकते, तो हम घर के पास जाके वॉक करेंगे। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आज मनप्रीत व्लॉग पूरा खुद से बना रही है, आप बताना कैसा बनाया, बिकॉज ताकि हो तो माफ कर दे। अपने फोन से वो बना रही है, थोड़ी सी क्वालिटी भी खराब होगी बिकॉज। तो आप लोग कमेंट करके बोलना कि मनप्रीत को नया फोन लेके दो। नया फोन लेके नहीं, तो पूरा व्लॉग देख के बताना कि कुछ डिफरेंस आपको लगा कि नहीं लगा, बिकॉज ये पूरा व्लॉग ये लीड कर रही है, और वो जो व्लॉग बनाता है ना उसे ही पता चलता है कि व्लॉग लीड करना क्या होता है। व्लॉग लीड करना, पीछे से आके सिर्फ कैमरा ऑन हुआ बोल दिया ऐसे दो तीन चीजें, वो अलग होता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट बताना कैसा इसने आज कैसा बनाया व्लॉग। हरमीत और मम्मी बाहर निकल के देख रहे हैं कितना विंडी है, अगर यहाँ भी सही नहीं तो यहाँ नहीं उतरेंगे। एक्स्ट्रा कॉशन के लिए हमने कवर लिया था जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, कुछ भी विंडी होगा या रेनी होगा तो ये हम यूज कर सकते हैं, बट इट लुक्स फाइन। मुझे लगा स्टोर पे आएगा नहीं, बट इसका लिंक भी डाल देंगे आप डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना आप। जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं वो हमने डाले हुए हैं। बोला भी जा रहा, कैसा लगा जी आपको? हवा बहुत तेज लग रही है सिर में। अभी नहीं है इतनी, कहाँ है? नहीं आप कैनेडियन हो, आपको नहीं लगती होगी, हमें लगती है भाई। अच्छा हाँ। अब आप केजरीवाल की भावना समझ पा रहे हो, मफलर की लपेट के रखता है वो। बिल्कुल केजरीवाल, मम्मी बन जाती केजरीवाल। मम्मी कह रही तुम जो मर्जी सोचो मैं बनने वाली हूँ केजरीवाल। बट ठीक है, अब मौसम खुलना शुरू हो गया। कहाँ से खुला? हर व्लॉग में यही बोलते हो। नहीं अब तो अच्छा हो गया यार, ये वॉक करने वाला मौसम है, खुला बुला अभी, एंड बेबी भी हमारा एंजॉय कर रहा है। दिल्ली वालों के लिए अभी भी ठंड है, और क्या, दिल्ली में इतनी ठंड कब पड़ती है? जैसे बड़ा यहाँ से पता क्या सिर में लग रही है ठंड। चले वापस फिर, मम्मी का मन भी नहीं कर रहा वापस जा रहे हैं, कह रहे हैं मनिंदर पास में रहता है उसको बुला लेते हैं, बातें करेंगे बैठ के, चलो चाय पी के आते हैं उसके साथ। तो ठंड का रीजन नहीं है, मुझे पता चल गया, डिप्रेशन का रीजन पता है क्या? लोग, अगर आपको लोग दिखते रहे ना
तो ठीक है, तो ठंड भी आपको ठंड भी आपको बर्दाश्त हो जाएगी, इसलिए ब्रैम्पटन में लोग आपको दिखते रहेंगे, बातें करते रहोगे, तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी। यू आर वेरी राइट, है ना। किससे बात कर रहे थे? ठंड तो एक वो है कि बहाना है कि ठंड की वजह से आपके लोग भी नहीं मिलते। सही बात है ना। समर में फिर आपको लोग मिल जाएंगे, क्योंकि देखो अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो हमारा डाइजेशन भी ठीक नहीं होगा, हाजमा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमें हाजमा ठीक करने के लिए बंदों की जरूरत है। बंदों की जरूरत है। ठंड वंड तो ठीक है, जैकेट पहन। बहुत मिस करते हैं पेरेंट्स यहाँ पे बेसिकली, कि कोई बात करने के लिए नहीं होता। जो इंडिया में इतने नेबर्स होते हैं, सारा दिन मुंह बंद कर करके मुंह से भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये एक और नई यूनिक दिक्कत आई है, जब आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, मुंह ही नहीं खुल रहा आपका, तो हवा कहाँ जाएगी। जो लोग इंडिया में है वो अपने नेबर्स को, अपने रिश्तेदारों को अंडर एस्टिमेट ना करें, उनसे बाहर निकल के बातें करें, बिकॉज कनाडा में आपको ये सुख नहीं मिलेगा। तो ये सुख लेने हैं तो जरूर बात किया करो, जिंदगी का कोई भरोसा। अब जाके अब अपने पड़ोसियों की आप चुगली नहीं करोगे, प्यार करोगे? हम तो सबसे प्यार करते हैं, हमने कभी किसी की चुगली नहीं की है। नहीं नहीं, दैट्स गुड। थैंकफुली हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हैं, सो नहीं चुगली नहीं करते। नहीं, हम कभी किसी की चुगली, जो हमें कहना होता है हम मुंह पे कह देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम उनको सीधा बोल देते हैं, भाई आपकी ये चीज हमें अच्छी नहीं लगी। बोला था इन्होंने कि व्लॉग ये पूरा बनाएंगे, मेरे के हाथ में फोन देके चली गई, भाग गई, कह रही मेरे बस की नहीं है, तुम ही भाग गई भाग गई भाग गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यही है। व्लॉग बनाना फिर डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा एंड टू एंड बनाना, स्टोरी एक स्टिच करना, किसी का वाड़ा नहीं है ये। हाँ, मतलब जो यार व्लॉग्स बनाते हैं आप देखते हो, उनको अप्रिशिएट करा करो, इसके लिए भी कमेंट करा कर, अच्छे करा करो, मोटिवेशन मिलती है सबको। बहुत अपना कीमती टाइम निकाल के अपनी लाइफ से वो व्लॉग बना के एडिट करके डालते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर डालते हैं, तो यू शुड अप्रिशिएट दैट। सबको जिसका भी आप व्लॉग देखते हो, चाहे आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मेहनत तो लगी है हर व्लॉग में। तुम व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, मेरे को क्यों दे दिया फोन? मुझे इसको घुमाने में ज्यादा मजा आ रहा है। ये तो बहाना है, मैं भी घुमा दूंगा। मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई। ये काम हरमीत जी बहुत बढ़िया कर पाते हैं, हमारे बस की ना है। कैरी अगर कैरी मैं व्लॉग अगर बनाऊंगी तो मैं पार्क में एंजॉय कैसे करूंगी? मैं सब जगह बनाता हूँ, मैं कैसे करता हूँ एंजॉय? कह रहे हैं वो देखो बच्चा कितना क्यूट है, ये मैं वहाँ पे स्लोमो बना रही हूँ खड़े होके, मैंने कहा मुझे भी दिखाओ बच्चा। तो यार जो बंदा व्लॉग बनाता है ना वो एंजॉय नहीं कर पाता, सो हैट्स ऑफ है भाई हरमीत को और जो भी व्लॉगर्स हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो में आना बहुत इजी है, बट एक्चुअली एंड टू एंड पूरी स्टोरी बताना, स्टोरी टेलिंग स्किल्स और बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है कि कौन सा शॉट लेना है, आपका सेंस हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। इट्स लाइक ड्राइविंग, कि आपको आप जो ड्राइव कर रहा है वो एंजॉय नहीं कर पाता आसपास का, वो जैसे हम देखते हैं वाह कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटी कितनी है, बट वो बेचारा रोड पे जो है वो हमेशा एक्टिव रहती है। और मैं ऑलरेडी ड्राइविंग क्लासेस सीख के आ रही हूँ, अभी लेके आ रही हूँ, तो मेरी खत्म हो गई आज की एनर्जी, मैं नहीं बना सकती। हमने हाथ जोड़े, चलो मम्मी बनाएंगे कल से व्लॉग, इनको दे देंगे कैमरा, शुरू से मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएंगे, रात तक आपने 10 मिनट का व्लॉग बनाना है। 10 मिनट? 10 मिनट का ही होना चाहिए एटलीस्ट। 10 मिनट, हम तो एक शॉट में ही 10 मिनट यूज कर लेंगे। अरे क्या बात है, चलो कल का व्लॉग आप बनाओगे फिर? ठीक है, चलो कमेंट करके बताओ कल का व्लॉग। और मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना रही क्योंकि मुझे पीयूष बंसल ने अपनी कंपनी में पार्टनरशिप पे रख लिया है, सो बहुत अच्छा डील चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, नेगोशिएशन चल रहा था, फिर एकदम से आवाज आई। पीयूष बंसल कौन है? लेंसकार्ट का जो CEO है, हम वो भी देखते हैं, शार्क टैंक भी देखते थे, सो हमारी डील चल रही थी, उतने में आवाज आती है इसके दूध की बॉटल कहाँ है। और मेरा सपना टूट जाता है, सो ना हो पाया हमसे। किसी को ये जोक समझ नहीं आएगा। किसी को जोक समझ नहीं आगे, अभी सपना देख रही थी, सपने में हो रहा था ये सब कुछ। लग रही है ऐसी। तो आज हम सब रेडी होके बाहर निकले हुए थे, तो मम्मी ने कहा गुटबारे होके आते हैं, स्पेशली निकलना मुश्किल होता है, तो आज सब रेडी है, बच्चा भी हमारा साथ में ही है, एंड उसका जो डायपर बैग वो भी हमारे पास है। साथ में बड़ी मम्मी, साथ में ही होगा, मतलब हम कभी स्पेशली जाते हैं कहीं अकेले, तो अभी सारे निकले हुए घर से तैयार हो गए, तो गुरुद्वारे भी हुआ थे, 10 मिनट्स के दूर रास्ते पे है, और टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया कि भोग पड़ने वाला है, तो उससे पहले मत्था टेक आते हैं। बेसिकली इन लोगों को लंगर खाना है। नहीं नहीं, मत्था टेकने जाना है, बहुत दिन हो गए थे एक्चुअली ना। हमारे बाबे का घर है, बाबे के घर में किसी टाइम भी चले जाओ आप, कोई ऐसी बात नहीं है, चाय भी मिलेगी, लंगर भी मिलेगा, स्नैक्स भी मिलेंगे, जो खाना दिल खोल के खाओ। सो फॉर सम रीजन जो रोड है वो क्लोज्ड है, दो पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई है, लेफ्ट होके आ गए हम लोग, वहाँ पे रोड एंड हो गई है, राइट जाके देखते हैं, आई डोंट नो वहाँ से रास्ता है कि नहीं, बट कुछ या तो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे या कुछ और प्रॉब्लम है, तभी पूरी रोड ब्लॉक करी हुई है।
अरे गलत दिन चूज कर लिया आज गुरुद्वारे जाने के लिए, हर जगह पे ट्रैफिक है, वो रोड ब्लॉक है, तो जब तक हम पहुंचेंगे भूख पड़ जाएगा, बट फिर भी हम जाएंगे जरूर। अब निकले हुए तो होके आते हैं ना, बात नहीं, बाबा तो वहीं पे ही है ना, बाबा तो नहीं कहीं उठ के जा रहा, मत्था टेकने जाना है ना हमने, लंगर उठ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, बाबा जी हाँ मत्था आप टेकने, आप सोचा हुआ निकलना है तो फिर हो ही आते हैं। बहुत अच्छे दर्शन हो गए गुरुद्वारा साहब के, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे, मत्था टेक पाए, थोड़ा सा लंगर भी छक लिया, एंड हम फिगर आउट कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक क्यों रोका हुआ है यहाँ पे, क्यों रोड ब्लॉक है। अभी भी देखो आप पुलिस की गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, सो हरमीत जी ने अपनी पार की नजर से फाइंड आउट कर लिया, लेकिन पुलिस तो यहाँ खड़ी है, आप पीछे कह रहे थे ये पूरा रोड बंद कर दिया ना। हाँ, क्या रीजन है? किसी गाड़ी ने, अब यहाँ पे ना मुझे बड़ा वियर्ड लगता था, यहाँ पे लकड़ी के खंभे होते हैं, लकड़ी के पुराने वाले जितने भी आप देख रहे हो, लकड़ी के खंभे हैं, ठीक है स्टडी है, चल रहा है जो भी काम चल रहा है, लेकिन वैसे नहीं गिरेंगे, लेकिन आई थिंक किसी बहुत बड़े ट्रक ने या हैवी किसी गाड़ी ने उस पर टक्कर मारी और खंभा पूरा गिर गया और अलग हो गया, लकड़ी का है ना वो, तो मेटल का होता तो बेंड होता जो भी है, वो साइड पूरी बंद करी है क्योंकि वो खंभा गिरा पड़ा, मे बी कुछ एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो क्लियर अप किया हो क्योंकि वो खंभा देखो ऐसे टूट नहीं सकता, लकड़ी का, लेकिन ऐसा भी नहीं है बहुत मोटा होता है, तो कुछ गड़बड़ी हुई है जिससे एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से टूट गया वो। एंड हमें नोटिस किया कि हरमीत जी की एंड बेबी की हमारे जो कैप है बीनी सेम 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 है, तो हम सेम सेम है, देखो सेम 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 छेम प्यो छेम पुत्र छेम 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 कह रहा बकवास बंद करो खाना दो मेरे को घूम के आ गए आपको पता चला देता आप सोए हुए थे इतना टाइम चलो आप लेट जा रहे हैं ऐसा करो। We are back in Master Chef kitchen. हमारे Master Chef चंगेजी चिकन बना के रहेंगे। मुगलई चिकन बेस्ती कर रहे हो? अच्छा मुगलई। चंगेजी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। मुगलई। ओ भैया हमारे शेफ ऐसे हैं, कहते हैं केवड़ा वाटर क्यों नहीं है हमारे घर में? चिरौंजी पहली बार। चिरौंजी। चिरौंजी रेसिपी में यहाँ डालनी चाहिए ना फिर ये। तो फिर आपको पहले वीकेंड पे प्लान करना चाहिए क्या क्या चीजें डालनी है। ये चीजें नॉर्मली कॉमनली नहीं यूज होती, तो ऐसे तो हम कुछ खाना ही ना बनाएंगे और एक चीज मिसिंग होगी तो, है ना भाई? क्या क्या बेल रहे हो आप? ये भाई उसने बोला मसाला ऐसे रोस्ट करना है फिर उसके बाद ग्राइंड करना है, तो मैं मसाला रोस्ट कर रहा हूँ। दो घंटे हो चुके हैं, क्या स्टेटस है भाई? पहली बार ये वाली बना रहे हैं, दही दही की ग्रेवी बन रही है इसके अंदर, सो आई डोंट नो। मुगलाई चिकन और चंगेजी चिकन बहुत सिमिलर रेसिपी है दोनों की, बट अभी पकेगा भाई। स्टेटस ये है, 3 घंटे हो चुके हैं हरमीत को, भाई हैट्स ऑफ है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती, ये मतलब बहुत शिद्दत से प्रॉपर अच्छे से रेसिपी फॉलो करके बना रहे हैं। मैंने हेल्प की है फॉर श्योर, बट इतनी पेशेंस मुझ में नहीं है, ये पता नहीं ये इनमें इतना सब्र कहाँ से आया है। देखो बनाओ एक मिनट, एक बार से हाँ, एंड वो भी डिनर नहीं किया उन्होंने, तो मेरे को टेंशन हो रही है, मैं कह रही कुछ और खा लो, कह रहे नहीं फिर टेस्ट खराब हो जाएगा उसका। तो ये अब बना गए उसको चंगेजी, तो चंगेजी है मुगलई मुगलई 3 घंटे में नाम भूल गए भाई, मुगलई वगलई कुछ पता नहीं है, चिकन है बस। नहीं बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। कल इसको थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा कर लेंगे, आज थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, पतला कर लेंगे, पतला कर लेंगे, पतला कर लेंगे। हैट्स ऑफ है, आप बहुत महान, आप घर पे ही आपको बना बना के खिलाएंगे। नहीं सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है।